रीमा हैदर और सचिन मीणा के प्यार की कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस पर हमने एक खास रिपोर्ट तैयार की है जिसमें सीमा हैदर और सचिन मीणा से यूपी एटीएस के पूछे गए कुछ सवालों को आपके सामने पेश किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सीमा हैदर और सचिन मीणा के प्यार की कहानी इन दिनों भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके बारे में जानने के लिए हर कोई उत्सुक दिख रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? वो कौन है? क्या ये सचमुच एक सच्ची प्रेम कहानी है या कुछ और? पुलिस टीम और सुरक्षा एजेंसियां सीमा हैदर के मामले को लेकर के पूरी तरह से सजग है। हाल ही में पाकिस्तानी जासूस होने की आशंका में सीमा को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा भी कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच ऑनलाइन गेम पबजी खेलते खेलते प्यार हो गया। इस गेमिंग ऐप पर दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए और इसके बाद पाकिस्तान की रहने वाली सीमा ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन के प्यार में अपने 4 बच्चों के साथ 3 देशों की सरहद पार कर भारत खींची चली आई। इसके बाद सीमा ने हिंदू रीति रिवाज से सचिन मीणा से शादी कर ली। यूपी एटीएस बीते 2 दिन से पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन से पूछताछ कर रही है। कुल 18 घंटे की पूछताछ में सीमा कुछ सवालों के जवाब देने से बचती रही। सीमा ना तो ये बता रही है कि उसने अपना पाकिस्तानी सिम क्यों तोड़ा और ना ही फोन से डेटा डिलीट करने पर कोई जवाब दे रही है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस बात की छानबीन भी कर रहा है कि कहीं सीमा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की फूफी तो नहीं है। दरअसल पिछले कई हनी ट्रैप केसेस में छानबीन में सामने आया कि जासूसी के लिए भारतीय मर्दों को फंसाने वाली लड़कियों को ISI ने फूफी कोडनेम दिया है। इस दौरान पैसों के लेन देन को फल कोडनेम दिया गया है। भारतीय एजेंसियां सीमा के भारत पहुंचने के पूरे रूट को ट्रैक कर रही है। इस दौरान वो किन किन लोगों से मिली उन्हें भी ढूंढ रही है। सीमा से यूपी एटीएस ने कुछ सवाल किए जिसमें कुछ सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। जिसमें पहला सवाल है, दोनों पासपोर्ट दिखाते हुए यूपी एटीएस ने पूछा कि इसमें असली कौन सा है। सीमा हैदर ने इस पर जवाब दिया, मैं पिछले 10 दिन से बता रही हूँ कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था जिससे दिक्कत आ रही थी, इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनवाया है, दोनों असली ही है। यूपी एटीएस का दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तान आर्मी में है उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है या ISI ने भेजा है? तो इस पर सीमा हैदर ने जवाब दिया, मैं अपने भाई और चाचा से कई साल से नहीं मिली हूँ। ISI क्या होता है ये तो मुझे इंडिया आने के बाद टीवी देखने के बाद पता चला है। चैनल मुझे ISI एजेंट बता रहे हैं, मैं सिर्फ सचिन के लिए नेपाल के रास्ते भारत आई हूँ। यूपी एटीएस का अगला सवाल, तुम कराची में रहती हो, पाकिस्तान में पैदा हुई हो और ISI का नाम नहीं सुना, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे घर वाले पाकिस्तानी फौज में हैं, तुम स्मार्टफोन चलाती हो, पबजी जैसे गेम खेलती हो, लेकिन ISI के बारे में नहीं सुना। तो इस पर सीमा हैदर ने जवाब दिया, आधी लाइफ बच्चे पैदा करने और पालने में बीत गई, 5 साल से तो मैं सिर्फ टाइम काटने के लिए पबजी गेम खेलती थी, ऐसे में इस जैसे वर्ड सुनने का टाइम ही नहीं मिला। यूपी एटीएस का अगला सवाल, वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला, इंग्लिश तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, कहाँ और कब सीखी? तुम तो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हो ना? तो इस पर सीमा हैदर ने जवाब दिया, मैंने जो भी सीखा है वो 2019 के बाद ही सीखा, जब से पबजी गेम खेलना शुरू किया, इसमें पढ़े लिखे लड़कों के साथ खेलती थी तो उन्हीं से बातों बातों में सीख लिया। यूपी एटीएस का अगला सवाल, सचिन मीणा तो खुद ही हिंदी ठीक से नहीं बोलता, वेस्टर्न यूपी की हिंदी बोलता है, तुम तो शुद्ध हिंदी बोल रही हो? तो इस पर सीमा हैदर ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुप रही। यूपी एटीएस का अगला सवाल, तुमने 4 जुलाई को पुलिस से कहा था कि नेपाल से बस के जरिए तुम सचिन के पास आई हो, तुम्हारा मोबाइल काम नहीं कर रहा था इसलिए बस ड्राइवर के फोन से सचिन को कॉल कर रही थी, नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम मिले हैं, इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्यों है? एक टूटा हुआ फोन भी है, उसे क्यों तोड़ा था? तो इस पर सीमा हैदर ने जवाब दिया, नेपाल से भारत आने के बाद मेरा पाकिस्तान का सिम कार्ड काम नहीं कर रहा था, मैं सचिन के पास आई थी तब उन्होंने मुझे नया सिम ला कर दिया, मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सके। सीमा हैदर से पूछताछ का वीडियो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक ATS सीमा के किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है, वो हर सवाल को सुनते ही अपने जवाब को सामने रख दे रही थी। पूछताछ के दौरान उसने एक भी बार अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछा, उसके 2 बच्चे उसी के साथ लाए गए थे और अलग अलग कमरों में रखे गए थे।
सीमा ने दोनों ही दिन एक ही जवाब दिए। उसकी एक भी लाइन इधर से उधर नहीं थी, वो बिल्कुल भी घबराई हुई नहीं थी। सीमा हैदर मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, पूछताछ हो रही है, एटीएस और एजेंसी अपना काम कर रही है, दो देशों के बीच की बात है, रिपोर्ट करेंगे या नहीं ये एजेंसी देखेगी। ये सुरक्षा में चूक का मामला नहीं है। नेपाल बॉर्डर खुले हैं, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो पाकिस्तानी है। सीमा हैदर मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, सीमा हैदर सच्चे प्यार में भारत आई है या वो कोई जासूस है? क्या सीमा को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए या उसे पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सीमा हैदर मामले में भी बहुत से खुलासे होना बाकी है। सीमा हैदर मामले में हमारी पूरी नजर बनी हुई है और आगे भी आपको यूं ही अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।